अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड देन वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में जी बन रहे हैं मज़ेदार से आलू बैंगन, जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा स्पाइसीस्ट पसंद किए जाते हैं। तो चलिए जी हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। जो बैंगन थे मैंने पानी में काट के इसलिए रख ली है कि ये काले ना हो। यहाँ पर मैंने एक प्याज ले लिया, कुछ हरी मिर्चें ले ली, दो टमाटर ले लिए, और यहाँ पर स्पाइसेस में आप देख सकते हैं लाल मिर्च है, हल्दी है, वन टेबल स्पून मैंने तीनों चीज़ें ले ली। और यहाँ चार आलू लिए, आलू छोटे थे इसलिए मैंने चार ले लिए। ये जी आधा किलो बैंगन ले लिए। चलिए जी अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने प्याज ले लिया, प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। प्याज की भुनाई करने के बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट। ये मैंने पेस्ट इसलिए बना लिया था कि भुनाई करने में आसानी हो। अब इसमें जनाब हम ये ऐड कर देंगे। इसके बाद जाएंगे इसके अंदर सारे स्पाइसेस, जो हम लोगों ने सारे स्पाइसेस तैयार किए हुए थे। अब हम इसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक, आप हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से इसकी पानी कोशिश थोड़े सा खुश्क हो जाए। इसके बाद इसमें हम लोग आलू ऐड करेंगे, आलू ऐड कर देंगे जी। आप देख सकते हैं जो पानी उबलना शुरू हो गया, आलूओं की थोड़ी सी भुनाई करने के बाद हम इसमें बैंगन ऐड करेंगे। पहले आलू थोड़े थोड़े सॉफ्ट कर लेंगे, आलू को अच्छे से भुनाई कर लेंगे। देख सकते हैं आप, अभी इसमें हम लोग बैंगन ऐड कर देंगे। बैंगन आपने ऐड करना है लेकिन इसमें बाद में पानी नहीं ऐड करना। अगर आप इसकी ज़्यादा भुजिया चाहते हैं तो आप पानी ऐड कर भी सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा ये बैंगन के ही पानी में पकेगा। बैंगन ऑलरेडी जो थे वो हमने डिप किए हुए थे, जिसकी वजह से ये अंदर सालन में पानी खुद ही छोड़ देंगे, तो ये इसी तरह पकेगा। तो आप देख सकते हैं जनाब जो हमारे बैंगन थे वो सॉफ्ट हो चुके हैं, ये दिखाती हूँ मैं आपको भी। तो जनाब हम इसको कवर करके रख देंगे और ये रही जी इसकी ये फाइनल लुक। तो इसे आप डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद ईजी रेसिपीज़ के लिए। अल्लाह हाफिज़।